ब्लास्ट केस में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है प्राइम एट फोर में। ये अगली खबर, सीआरपीएफ स्कूल के पास ब्लास्ट में एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल हुआ। विस्फोट में तीन तरह के केमिकल विस्फोटक के तौर पर इस्तेमाल किए गए। गड्ढे में पॉलिथीन बैग में छिपा कर रखा गया था विस्फोटक। आधा से एक फीट गहरे गड्ढे में विस्फोटक को रखा गया था। एनएसजी समेत चार सुरक्षा एजेंसियां धमाके की जांच कर रही हैं। धमाके की इस वारदात को लेकर प्रशांत विहार थाने में एक्सप्लोजिव एक्ट में एफआईआर भी दर्ज की गई है। यहां वो गड्ढा आप देख रहे हैं जिसके नीचे विस्फोटक छुपा कर रखा गया था। जैसा मैंने आपको बताया, इसमें तीन तरह के केमिकल का इस्तेमाल हुआ था। वो जगह जहां पर यह धमाका हुआ है वहां पर आप देख रहे हैं, उसको क्राइम साइट के तौर पर आप देख रहे हैं। वहां पर उसको आम लोगों की पहुंच से दूर करने के बाद अब वहां पर सघन जांच पड़ताल चार एजेंसियां कर रही हैं। एक्सप्लोजिव ब्लास्ट के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। और दिल्ली ब्लास्ट केस की नई सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज में सफेद टी शर्ट में संदिग्ध दिखाई दे रहा है। धमाके से एक रात पहले ब्लास्ट स्पॉट के पास देखा संदिग्ध। संदिग्ध शख्स की तलाश में जुटी हुई है सुरक्षा एजेंसियां। सीसीटीवी फुटेज, सफेद टी शर्ट में वो व्यक्ति, जरा देखिए यहां वो सीसीटीवी फुटेज है। अक्टूबर 20, 2024 का ये सीसीटीवी फुटेज, यहां पर आप देख रहे हैं वो गाड़ी जिसके अंदर सफेद टी शर्ट में एक व्यक्ति सवार दिखाई दे रहा है। ये देखिए जरा, ये वहां पर पीछे ब्लास्ट होता हुआ आप देख रहे हैं, और उस साइट के करीब ही जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है वो भी हमने आपको बताया। और इस तरीके से यहां छानबीन के मामले में इस महत्वपूर्ण इनपुट को सामने रखते हुए एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। और बहुत जल्दी से इससे जुड़ा हुआ ये अपडेट भी देखिए। एक सीसीटीवी दिल्ली पुलिस के हाथ लगा है जिसमें एक सफेद रंग का टी शर्ट पहना हुआ शख्स नजर आ रहा है जो कि संदेह के घेरे में है। यह भी पता चला है कि एक पॉलिथीन के अंदर जो विस्फोटक है उसको एक रात पहले, यानी कि कल ब्लास्ट के एक रात पहले, परसों रात में ही वो इसी रोड के ऊपर मूवमेंट कर रहा था। और ये पता चला है कि ये जो गड्ढा बनाया गया है स्पॉट पे, यहीं पे कुछ मीटर जो है उसने गड्ढे को किया था, और उसके बाद इसी गड्ढे के अंदर उसने जो आईडी है, जो विस्फोटक है, उसको प्लांट किया था। और उसके बाद यहां पर कल सुबह जोरदार धमाका हुआ जिसके बाद अफरा तफरी मच गई, और जो कई लोग हैं उन्होंने बताया कि किस तरीके से धुएं का गुबार निकला।